गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़। तो यहाँ पे मैं इसको गुड न्यूज़ की जगह अनएक्सेप्टेड न्यूज़ कहना चाहूँगा। यहाँ पे शाओमी कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है जो हमने यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे ओप्पो वीवो ऑक्सीजन ओएस यानी कि वन प्लस के मॉडल्स में हमें प्योर सिमिलरिटीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शाओमी कंपनी के पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है। यानी कि यहाँ पे शाओमी ने अभी तक किसी और ब्रांड के साथ यहाँ पे कोलैब्स ही नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पे शाओमी कंपनी किसी और ब्रांड के साथ कोलैब्स करने के लिए जा रही है, और ये ह्यूवेई कंपनी ने ऑफिशियली यहाँ पर रिवील भी कर दिया है। और इसी के साथ यहाँ पे इनका क्रॉस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी यहाँ पर निकल कर सामने आ चुका है, और ये एग्रीमेंट यहाँ पे 13th of September को रिलीज़ किया गया है। और मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसी के साथ अब आपको यहाँ पे शाओमी और ह्यूवेई के डिवाइसेस में कुछ सिमिलरिटीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं उनके ओएस में, जो कि ऑलमोस्ट कन्फर्म है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं एक लॉन्ग वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ, मैं उसमें आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे इस चीज़ के आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको इस चीज़ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस मिलेंगे, और यहाँ पे शाओमी ऐसा कदम आके क्यों उठा रही है, क्योंकि अभी तक MIUI 14 तक यहाँ पर MIUI का OS बिल्कुल सेपरेट OS था। MIUI 12 के बाद यहाँ पे शाओमी कंपनी के डिवाइसेस में हमें कुछ ना कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग इसी से यहाँ पे हट करके शाओमी ने ह्यूवेई के साथ कोलैब्स करने के लिए जा रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे और आपको यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने के लिए मिलेंगे, उनके रिगार्डिंग मैं एक लॉन्ग वीडियो बहुत ही जल्द क्रिएट करने वाला हूँ। सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू शाओमी एंड ह्यूवेई एंड अदर OS। She got